नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान, दूसरे चरण का मतदान अब नजदीक है और इसी कड़ी में अब बिहार में हर एक राजनीतिक दल के नेता बिहार में जा जाकर कोने कोने में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, जहां पर उन्हें छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करना है। साथ ही साथ पीएम के बिहार आने से पहले, बिहार दौरे से पहले, नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछे हैं। 11 सवाल वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज पीएम जो हैं वो छपरा आएंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और दूसरे चरण के मतदान से पहले ये जनसभा होनी है। 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। वहीं अब हर एक राजनीतिक दल चुनावी प्रचार के फुल मूड में है। साथ ही साथ अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछे हैं बिहार चुनाव को लेकर। वो 11 सवाल क्या हैं, पहला सवाल मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी बताएं कि नल जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाले बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति व सैनिटेशन पर क्यों खर्च करती है और उस 4% का भी 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी बताएं कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार में कुपोषण व भुखमरी पर कुल बजट का 2% से भी कम क्यों खर्च होता है। 15 वर्ष से एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण व भुखमरी क्यों है। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है और बिहार में डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री जी बताएं कि जून में उनके द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ लॉकडाउन में बिहार लौटे श्रम वीरों को क्यों नहीं मिला, क्यों बिहार के श्रम वीर वापस दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हुए। छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों का भुगतान श्रम वीरों को पिछले 4 महीने से क्यों नहीं किया गया, कौन दोषी, केंद्र या राज्य। सातवां प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बिहार के सर्वाधिक जिलों 84% अथवा 32 जिलों को डालने के बावजूद भी बिहार के श्रम वीरों की सबसे दयनीय दशा क्यों है। आठवां प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं कि अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 11 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने के बावजूद बिहार में केवल 2132 परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरी कर पाए, ऐसा क्यों। नौवां प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं कि एनडीए की नीतीश सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों पर क्यों खर्च करती है। दसवां प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं 2015 में उनके द्वारा घोषित 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई है और उसका कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ, अगर पूर्ण राशि जारी नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार कौन। और 11वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जी बताएं कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी 2014 में किए गए उनके वादानुसार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। तो ये है नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के 11 प्रश्न, 11 सवाल जो कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बिहार दौरे से पहले उनसे पूछे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में चुनावी मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण अभी बाकी हैं। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को है और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है और 10 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो ये थे वो 11 सवाल जो कि तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशन न्यूज के साथ। देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।